हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आप देख रहे हैं टुडे ऑडिशन। और आज मैं जिस कंपटीशन के बारे में बात करूंगा, जिस ऑडिशन के बारे में बात करूंगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार हमें मिस इंडिया नहीं बनना, हमें ये नहीं करना, तो हम क्यों इस कॉम्पिटिशन में अप्लाई करें। हम तो के पॉप में जाना चाहते हैं या फिर हम अपना नेम कमाना चाहते हैं, एक काफ़ी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की या फिर जाने की। देखो, एक तो सपना है आपका कि भाई आप मिस इंडिया कंपटीशन में जाना चाहते हैं। दूसरा, वो लोग जो अपना करियर इस फील्ड में देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में देख रहे हैं, ब्यूटी ग्लैमर फील्ड में देख रहे हैं, तो उनको एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। देखो, आपका होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा और कुछ भी नहीं जाने वाला, लेकिन आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न है, क्या प्रॉब्लम है, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपने ऊपर। बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हम के पॉप आर्टिस्ट से कैसे मिलें, BTS मेंबर से कैसे मिलें, ब्लैक पिंक मेंबर से कैसे मिलें। और हमने एक चीज़ और नोटिस करी है, ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, ये उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनकी कोई पहचान हो, जिनको कोई लोग जानता हो। जैसे अभी JYP एंटरटेनमेंट के सोलो आर्टिस्ट जैक्सन वॉन इंडिया के अंदर आए थे, तो दिशा पतानी इसीलिए उनसे मिल पाई क्योंकि उनके स्पॉन्सर एक थे, उनको प्रमोट करने वाली कंपनी एक है, इसीलिए वो दोनों आपस में कनेक्ट हो पाए। तो गाइस, यही होता है, या तो आप फैन बनकर उनसे मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रगल वाला काम होता है, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। दूसरा, आप अपनी एक पहचान, एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखकर उनके सामने मिल सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अभी से स्टार्टिंग करते हैं, अभी से इन कॉम्पिटिशन ऑडिशंस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि आपके लिए सभी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं और आपके सिलेक्शन भी होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, उन गलतियों को आप ठीक करते हैं, और जो लास्ट का कॉम्पिटिशन या ऑडिशन होता है, वहाँ एक अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ अपना फॉर्म फिल आप करते हैं। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, जो समझदार है वो समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम करते हैं सीधा मुद्दे की बात, यानी कि कैसे हम मिस इंडिया 2023 का ऑडिशन अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, थोड़ा ध्यान से देखना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। आप अगर अपने मोबाइल पे हैं तो मोबाइल से गूगल ओपन कर लीजिए, PC लैपटॉप से हैं तो अपना गूगल ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है मिस इंडिया 2023, एंटर करना है, आपके सामने फेमिना मिस इंडिया 2023 इवेंट लिखा जाएगा। आपको ये वेबसाइट याद रखनी है और इसी वेबसाइट पे आपको जाना है, किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना है। आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ये पूरा स्टेप आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करके रखनी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आपको गो टू द फॉर्म पे जाना है। आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको गूगल से कनेक्ट होना है, फेसबुक से कनेक्ट होना है, तो आपको गूगल से कनेक्ट होके ओपन कर लेना है। मेरे में सीधा खुलेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ। ये आपके सामने पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपका नेम है वो आप इधर डालिए। अपना मिडल नेम, अगर आपका मिडल नेम नहीं है तो छोड़ देना, लास्ट नेम आपको ज़रूर डालना है। मिडल नेम ऑप्शनल है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आपको डालना है। डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, आपकी एज क्या है वो आपको डालनी है। उसके बाद आपको बर्थ ऑफ स्टेट के अंदर अपना बर्थ ऑफ स्टेट डालना है, जहां आप पैदा हुए हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़, असम, बिहार, पटना, दुनिया भर के ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये इंडिया वालों के लिए ही फॉर्म है तो इंडिया के ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर हरियाणा डाल देता हूँ। करंट स्टेटस में आपको डालना है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं। अभी आप अगर दिल्ली रह रहे हैं, हरियाणा रह रहे हैं, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। और नेटिव स्टेटस में भी आप सेम हरियाणा डाल सकते हैं। बात करते हैं फिजिकल एट्रीब्यूट्स की। सबसे पहले हाइट, आपकी हाइट क्या है। फिट में आपको बतानी है 5 फिट या 6 फिट, और 6 फिट से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद ये इंच है, आप 5 फुट कितने इंच, 6 इंच है, 7 इंच है, 10 इंच है, वो आप इधर डाल सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से डालने ताकि आपका सिलेक्शन हो तो वो आपको कॉल कर सके। पासपोर्ट है तो आप डालिए इंडियन पासपोर्ट, अगर नहीं है तो OCI आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल। इंस्टाग्राम प्रोफाइल गाइस बहुत ही ज़रूरी होती है। यहाँ पर आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डालना है, यानी जब आप अपने फ्रेंड को इंस्टाग्राम देते हैं
कि भाई ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ऐसे ही आपको इनको अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक देना ताकि वो खोल के आपके इंस्टाग्राम फोटोज़ को देख सके, आपकी वीडियोज़ को देख सके। आपको एक टास्क करना है जहाँ पर अपना ऑडिशन देते वक्त आपको रैंप वॉक करनी है। अब आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी मेजर पार्ट। यहाँ पर आपको दो वीडियो अपलोड करनी है, एक तो अपने इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, रैंप वॉक करके आप उनको दिखा सकते हैं। ये दोनों वीडियो आप गूगल ड्राइव पर डाल सकते हैं। गूगल ड्राइव पर डालने के बाद आप इधर उनका लिंक दे सकते हैं इनको। नहीं पता कैसे करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करो, अगले दिन ही इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। बात करते हैं क्लोजअप। अब आपको इधर फोटो डालने, जैसा मैंने आपको बताया था, क्लोजअप होता है आपका ये वाला फेस, मिड शूट होता है आपका कमर तक, उसके बाद फुल लेंथ, ये हो गया। नेचुरल ब्यूटी शूट में आपको कोई भी मेकअप नहीं करना है। आप इधर साफ साफ लिखा हुआ है नो मेकअप। इस तरह से आपको अपने फोटोज़ को अपलोड करना है। नाउ आपको करना है अब कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सबसे पहले आपको बर्थ स्टेटस यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको इधर अपलोड करनी है। इसमें आप अपने 10th की मार्कशीट या आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। करंट स्टेटस में आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर सकते हैं, गैस बिल अपलोड कर सकते हैं, या फिर जो करंट लोकेशन को दिखाई वो आप अपलोड कर सकते हैं। नेटिव स्टेटस में आप अपने पेरेंट्स, जहाँ के हैं आपके पेरेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, यानी अपने पेरेंट्स की आईडी अपलोड कर सकते हैं। हाइट सर्टिफिकेट के अंदर आपको अपना डॉक्टर के पास जाकर अपना हाइट मेजरमेंट करा के हाइट सर्टिफिकेट बना लेना है। अगर आपको नहीं पता और कैसे बनाएं तो VLCCC के किसी भी शोरूम में जाकर आप अपना हाइट का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। उसके बाद आपकी ईमेल पे एक यूनिक कोड आया होगा, वो आपको इधर डालना है, आई एग्री करके आपको सबमिट कर देना है। और ये बोल रहे हैं क्या आप कोर्स लेना चाहते हैं, तो गाइज वो आपकी मर्जी है, और लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। कोर्स का प्राइस आपको बता देता हूँ, हालांकि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, लेकिन कोर्स आपको लेना है तो उसके लिए आपको 3000 रुपीज़ पे करने होंगे। तो आपको बताना चाहूँगा रजिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है, कहीं आप इस कोर्स को बाय करो अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, आप इसको छोड़ सकते हैं, सीधा फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बस इतना सा आपको काम करना है। और हाँ गाइज एक चीज़ याद रखनी है आपको, ये पासपोर्ट डिटेल्स के अंदर आपको इंडियन पासपोर्ट ही रखना है। ये आपसे इंडियन पासपोर्ट मांगेंगे नहीं, लेकिन आपको इधर इंडियन पासपोर्ट ही रखना है, वो मैंने जो अभी आपको बताया OCI, ये आपको सिलेक्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं एज की, तो एज आप देख सकते हैं 18 से 25 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस कॉम्पिटिशन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट 5.3 इंच से अबोव है बिना हील के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें, अगर आप सिंगल हैं, आपकी एंगेजमेंट नहीं हुई है, अनमैरिड हैं, तो आप इस कंपटीशन में अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, आप एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने चाहिए, और अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर नहीं है तो आप OCI अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ आपको रनअप के लिए रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा, यानी आपको विनर नहीं बनाया जाएगा। बाकी गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। आप चाहते हैं कि मैं फ़ोन से इस वीडियो को आपको बताऊं, समझाऊं, तो वो भी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्या राय है इस कॉम्पिटिशन के बारे में ज़रूर बता सकते हैं। वही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए कॉम्पिटिशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।